हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजे टेक एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी खाली समय का यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको अर्निंग मेथड बताने जा रहा हूं, वो काफ़ी यूनिक है। यहां पर आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। यहां पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहली जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, वो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनली है और ये सिंस 2010 से काम करती आ रही है और अभी तक ये काम कर रही है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट 100% लेजिट है, जेन्युइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको आइकन्स बनाने हैं और उन्हें सेल करना है। वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो सेकंड मेथड है, वो एक ऐसी वेबसाइट से है जो कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में काफ़ी उसका नाम है, टॉप 5 वेबसाइट्स में उसका नाम आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों मेथड से अर्निंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मेक श्योर फ्रेंड्स, वीडियो का पूरा देखें क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को काफ़ी इलैबोरेट करके समझाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा ब्राउजर पर और आपको बताता हूँ वेबसाइट्स के बारे में जहाँ से आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैटिकॉन, या आप कह सकते हैं फ्लैट आइकॉन। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के यहाँ पर आपको आइकन्स मिलते हैं। आपको थोड़ा नीचे ले जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको यहाँ पर आइकन मिलते हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये काफी लंबे समय से काम करती आ रही है। ये सिंस 2010 से काम करती आ रही है और अभी तक ये एक्टिव है। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, 100% ट्रस्टफुल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक है, तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप अर्निंग कैसे करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले आपको ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट, शेयर, इंस्पायर, बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर एंड चेंज द वर्ल्ड डिजाइनिंग आइकॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अर्न मनी, सेल योर आइकॉन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो सबसे पहले आपको काम कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर करना है, ये है साइन अप प्रोसेस। उसके बाद आपको अपने जो आइकन्स आपने बनाए हैं उसे आपको शेयर करना है और यहाँ से आपको अपने पैसे कमा लेने हैं। ठीक है, ये काम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे 12 मिलियन से ज़्यादा विजिट करते हैं लोग मंथली और 7 मिलियन यूज़र यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप तीन तरीके से अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला है गूगल, अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप यहाँ पे गूगल पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ पे फेसबुक पर क्लिक करके अपनी फेसबुक डिटेल्स डालकर यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है ट्विटर का। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो आप यहाँ पे ट्विटर पे क्लिक करके अपनी ट्विटर डिटेल्स डालकर वहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फोर्थ ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप चकमक करके साइनअप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक फ्लैटिकॉन की तरफ से ईमेल आएगा, उसे आपको वेरीफाई कराना होगा। जैसे आप उस ईमेल को वेरीफाई करा देते हैं तो आप 100% यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो गाइस, जैसे आप इसमें लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा। इसको आपको सीधा नीचे ड्रैग करके यहाँ से आप आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा ऑथर एवेटार का। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी फोटोज़ लगा सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करके आप चाहें तो अपने चैनल का आइकन या जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पब्लिक ऑथर यूज़र नेम, यहाँ पर आपको अपने नाम का एक यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इंडिया। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट नेम डालेंगे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया, अगर आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है।
तो नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वॉज सक्सेसफुली एडिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट अपलोडिंग। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रिएटर हैंडबुक और स्टार्ट अपलोडिंग। अगर गाइस आपको कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पर आप क्रिएटर हैंडबुक पे जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे आपको आंसर्स मिलेंगे इस वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी आपको इसमें लॉगिन नहीं होना है, हम बैक चलेंगे इसके होम पेज पे। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं फ्लैटिकॉन के होम पेज पर आ गया। तो अब गाइस आपको यहां पर अपना आइकन कैसे क्रिएट करना है वो मैं तरीका आपको बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे और या कहीं से डाउनलोड करेंगे, वो चीज़ मत करिएगा। आप चाहे तो इसके लिए फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, अगर नहीं भी आता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जाएंगे मोर टूल्स पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे है फ्रीपिक ऑनलाइन एडिटर, स्लाइड को स्टोरी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चूज करना है टूल्स, ये आइकन पैटर्न, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आइकन पैटर्न पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे फ्री में अपने आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर सेल कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ अपना पैटर्न क्रिएट करना है, कुछ अपने आइकॉन्स बनाने हैं। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट पैक भी हैं। अभी आपको कोई भी मेंबरशिप या प्लान्स नहीं लेने हैं, मैं आपको फ्री में कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे आइकॉन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकती हैं। ठीक है, नीचे तक, तो गाइज यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हम कुछ अलग क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये टेलीफोन से रिलेटेड ले लेता हूँ। अब जिन पर ये क्राउन है ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीमियम सर्विस है। ठीक है, आप जिन पर ये क्राउन का लोगो नहीं है वो चीज़ वो आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो 100% फ्री हैं। जिन पर ये क्राउन है वो आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से मैं ये टेलीफोन से रिलेटेड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इन सारे टेलीफोन से रिलेटेड एक पिक्चर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये आइकन यहाँ पर आ गया। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, उसके बाद ये वाला ले लिया, उसके बाद ये ले लिया एंड और ये हो गया। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारा जो सिंपल आइकन का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो आप चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर ले लिया है और आप यहाँ से डाउनलोड इसे कर सकती हैं। अब यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप अपना फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, PNG, JPG, SVG और B64। अपना जो पिक्सल्स है वो 1000 रखेंगे और जो इमेज साइज़ है वो 4000 और जो ये आ गया ऑटोमेटिकली 2000 और यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया है और इसे सेव कर लेंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आइकन्स बनाए थे वो ये रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको इस फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, उसके लिए आपको फ्लैटिकॉन पे लॉगिन होना होगा, आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा और सेकंड मेथड भी गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस तरीके से भी यहाँ से डबल अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हमें इसमें लॉगिन होना है। सो गाइज आप मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे माई आइकॉन्स और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपलोड पे और अपलोड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप पे और यहाँ से वो फाइल अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आपके आइकन्स को डाउनलोड करते हैं उतनी यहाँ पर आपकी अर्निंग बनती है, वहीं से आप अपने RPI भी देख सकती हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड क्या है और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनवॉइस एंड एग्रीमेंट पे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग इनवॉइस अभी, क्योंकि मेरे अभी कोई भी पेमेंट यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, ना मैंने अभी यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे सीधा माय बिलिंग इन्फॉर्मेशंस पे। अब बिलिंग इन्फॉर्मेशंस पे जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे बिलिंग इन्फॉर्मेशंस पे। तो गाइज़ यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो है पेपैल और पियोनियर। तो गाइज़ ये दो मेथड है जिनसे आप यहाँ से अपनी पेमेंट ले सकते हैं। गाइज़ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पेपैल अकाउंट बनाना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख के सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना पेपैल अकाउंट बनाना है, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे। यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड ये अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद जैसे आपकी पहली पेमेंट होगी वो वहाँ से क्लियर होगी तो यहाँ पर आपका इनवॉइसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ मूविंग ऑन मेथड 2 जिस पर आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वेबसाइट है जिसका नाम है फाइबर पर, एक फ्रीलैंसिंग वेबसाइट है और ये पूरे वर्ल्ड में टॉप में ये वेबसाइट आती है फ्रीलैंसिंग की दुनिया में, ठीक है। गाइज़ आपको अब क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज है, लोगो एंड ब्रांड, विजुअल डिज़ाइंस, वेब मोबाइल और काफ़ी सारी हैं। तो आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस पे, और यहाँ पर आपको देखना है पैटर्न डिज़ाइन। ये अभी नया है, नई कैटेगरी आई है पैटर्न एंड डिज़ाइन। अभी आप यहां से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे कॉम्पिटिशन्स कम है। जैसे मैं पैटर्न डिज़ाइंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डिज़ाइंस और पैटर्न्स हैं। ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, इसी टाइप्स के आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये $5 चार्ज कर रहे हैं, इसी टाइप के ये $10, ये $15, ये देखिए कुछ इस टाइप का। मैंने भी एक ये टेलीफोन वाला क्रिएट किया था, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेलीफोन्स और कलर्स यहाँ पे मैंने भर दिए थे कुछ इस टाइप के। आप यहाँ पे करके ये देखिए $215 यहाँ से चार्ज कर रही हैं, और ये 90 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, 5.0 की रेटिंग है। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पर हम देखते हैं $215 इंटू 90 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, और ये अभी तक $19,350 की अर्निंग कर चुकी हैं। तो यहाँ से आप ये देखिए कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं $20, $10 और भी यहाँ पे देख सकते हैं $20। सिंपल आपको यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स अपने लानी हैं, आप चाहें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं आप। अगर आपको फोटोशॉप आता है या इलस्ट्रेशन आता है तो आप बोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से आप काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे घर बैठे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, गिग्स बनाना है। गिग्स मीन्स होता है विज्ञापन फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं कि कैसे इसमें रजिस्टर करना है, कैसे उसमें गिग्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं तो गाइस अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका दिन शुभ रहे।